चाकू डाकू के पास में भी होता है और चाकू डॉक्टर के पास में भी होता है। डॉक्टर उसी चाकू से किसी की जान बचा सकता है तो डाकू उसी चाकू से किसी की जान ले सकता है। दोष चाकू का नहीं है, प्रयोग करने वाले का है। पुलिस के पास में पिस्टल होती है, बंदूक होती है। बंदूक लेना तो आसान है, लेकिन साथ बंदूक किसको दी जाए ये निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो पिस्टल का लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन ये जब ना समझो के हाथ में आ जाती है तो खून की नदी बह जाती है, फिर दुखद होता है। आज जैसे परीक्षित को शाप लगा है तो शमक मुनि को तकलीफ है कि ऐसे राजा को क्यों शाप लगाया। ऐसे ही कोई अच्छा व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है तो अपने को भी दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति की तो समाज को जरूरत थी, वो क्यों चला गया। सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के स्वर्गस्थ अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। एक अच्छा व्यक्ति था, समाज को जागरूक करने वाला व्यक्ति था। उनको श्रद्धा सुमन तो है ही, लेकिन श्रद्धा सुमन से ही बात नहीं बनेगी। उन अपराधियों को भी दंड तगड़ा मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया। अंगुलियां तो उठेंगी, प्रशासन पर भी उठ सकती हैं और भी सब पर उठ सकती हैं। बहुत गहराई में जाओगे तो लगेगा कि उन जवान लड़कों को भी संगत कैसी मिली होगी जिनके हाथों में अभी पढ़ने की किताबें होनी चाहिए थी, जो पढ़ लिख करके नौकरी में होते, जो पढ़ लिख करके आईएएस या आईपीएस बनते, उनके हाथ में ऐसे ही बिना सोचे समझे बंदूकें किसने थमा दी और किसने उन्हें इस प्रकार की सलाह दी और वो भी किसकी संगत में थे। सोचना तो पड़ेगा, प्रश्न तो कई जगह उठेंगे, लेकिन जो हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है जब ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की जान अगर खतरे में है तो आम आदमी का क्या, फिर उसके तो बेचारी की जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं रह गई। अच्छे लोगों की तो समाज को आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जब अच्छे लोग आते हैं तो बुरे लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में उन अच्छे लोगों की सुरक्षा का भी जिम्मा सरकार या प्रशासन के हाथ में होता है, और ये इस प्रकार के कांड, इन पर रोक लगनी चाहिए। जब इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, कल ही की घटना है ये, तो बिल्कुल ताजी घटना है, और एक अच्छे व्यक्ति का दुनिया से चले जाना सबको दुखी करता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस पर चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। और समाज किस दिशा में जा रहा है ये बड़ों को भी बुजुर्गों को भी सोचना तो चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपराध ही युवा नहीं होना चाहिए, युवा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जिस युवा पर हम भी गौरव कर सकें। अब जिसने दिन दहाड़े जाकर के वहां चार बंदूक की गोलियां धनादन धनादन मार दी और वो चले गए, तो क्या उसमें 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 कोई वीरता का कार्य किया है? वो कायर लोग हैं जिन्हें उनकी प्रसिद्धि, जिन्हें उनकी सफलता स्वीकार्य नहीं थी। अगर इतना ही तुम्हें था तो तुम भी आगे बढ़ते और तुम भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करके दिखाते। उन्होंने जो किया उससे भी अच्छे कार्य करके दिखाते तो पता चलता कि तुम्हारी युवानी भी रोशन हो गई। मैं तो बहुत बोलता हूं युवाओं की, जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि युवानों, तुम्हें तुम्हारी जवानी दिखानी हो ना
तो अपने घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा करके जवानी दिखाना। बहुत ज्यादा ही जवानी तुम्हारी है तो देश की सेवा करके दिखाना। सीमा पे जाओ ना, वहां जाकर के आप सेना की ट्रेनिंग लो, सेना की ट्रेनिंग लेकर के सीमा पे जाओ और वहां जाकर के आतंकवादियों पर गोलियां चलाओ, तो माना जाएगा कि तुम्हारी जवानी सार्थक है। तो श्रद्धा सुमन तो समर्पित हम करते ही हैं, लेकिन हम ये भी मांग करते हैं कि दोषियों को दंड शीघ्र मिलना चाहिए। और समाज में इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है खराब, वो शांत होना चाहिए और एक सही दिशा में हमारा समाज और हमारी युवा पीढ़ी जाए, ऐसी मेरी गुजारिश है।